एक एक शब्द हमारे जीवन के लिए अति मूल्यवान है, समझिएगा। ऐसे लगाकर जेड तक हम लोग पहुंच गए हैं और एक एक शब्द हमारे जीवन के लिए बहुमूल्य है, एक एक शब्द हमारे जीवन के लिए मूल्यवान है, एक एक शब्द हमारे जीवन में बोधदायक है। हमें सीखना है एक एक शब्दों से, हमें समझना है एक एक शब्दों से जीवन कहां जा रहा है, जीवन में क्या बोझ ले, जीवन में क्या समझे, जीवन में क्या जाने, जीवन में क्या उतारे, तो जीवन अद्भुत बन जाए। और जेड हमें यह सिखाता है, तीन चीजें हमारे जीवन के लिए लेकर के आता है, तीन शब्द है, बराबर समझना। ए से शुभारंभ होता है तो जेड परिपूर्णता कर देता है, ए जब हम बोलते हैं तो वो प्रारंभ की निशानी हो जाती है और जेड जब हम बोलते हैं तो वो परिपूर्णता की निशानी हो जाती है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में जेड हमारे लिए तीन संदेश लेकर के आता है कि समझ लेना, आपके जीवन को अति मूल्यवान बनाना है, आपके जीवन को अद्भुत बनाना है, तो जेड शब्द के तीन शब्दों को आप बराबर गौर से समझ लीजिएगा, बराबर गौर से जान लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि कितनी ताकत ये जेड में। पहला संदेश जेड हमें देता है, नंबर वन, लाइफ इज जीरो इफ यू नॉट अवेक। जेड हमें पहला संदेश यह देता है कि जीवन शून्य हो जाएगा, लाइफ इज अ जीरो इफ यू नॉट अवेक, यदि आप जाग नहीं रहे हो तो जीवन शून्य हो जाएगा, बराबर समझ। जेड परिपूर्णता करते करते हमें तीन संदेश देते हुए जा रहा है, हमें जीवन के लिए तीन बहुमूल्यवान संदेश दे रहा है कि बराबर समझना, जेड भी हमारे लिए कुछ अति मूल्यवान संदेश लेकर आया है कि बराबर समझना, जीवन शून्य हो जाएगा यदि आप जागे नहीं तो। जीवन दो तरीके से जिया जा सकता है, एक होश में और एक बेहोशी में, बराबर समझ। ये जो आपको जीवन मिला है वो दो तरीके से जिया जा सकता है, एक होश पूर्वक जिया जा सकता है और एक बेहोशी में जिया जा सकता है। और मजे की बात ये है कि संसार में 99.99% लोग बेहोशी में जीवन जीते हैं, उनको पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है प्रतीत हमको कि हमको पता ही नहीं मुंह में से क्या शब्द निकल गया, हमको पता ही नहीं हाथों से किसी को थप्पड़ मार दी कैसे क्रिया हो गई घटित हो गई, हमको पता ही नहीं चला हम कहां चल गए, हमको पता ही नहीं भोजन करते करते पेट में क्या डाल दिया वो हमको पता ही नहीं, हमारे सामने से क्या निकल गया हमको पता ही नहीं। कई बार ऐसा होता है, आपके जीवन में भी हुआ होगा, कभी बहुत गहरे विचारों में आप खोए हुए हो, आप क्या भोजन कर रहे हो आपको पता ही नहीं, कभी बहुत गहरे विचारों में आप खड़े हो रास्ते पे खड़े हो लेकिन आपके सामने से आदमी निकल जाए आपको पता नहीं चलता, कभी बहुत क्रोध की भावना आपके हृदय में प्रज्वलित हो रही हो और आप मुंह से क्या शब्द बोल दो आपको पता ही नहीं चलता। अति क्रोध में अति आवेश में अति आवेग में आप यदि आ जाओ तो किसी को चाटा भी मार दो आपको पता ही नहीं चलता, फिर अंत में प्रतीत होता है अरे ये मैंने गलत कर दिया। समझना, संसार में कई लोग ऐसे हैं जो बेहोशी में जीवन जीते हैं, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो बेहोशी में जीवन जीते हैं, बहुत कम अल्प लोग ऐसे हैं जो होश पूर्वक जीवन जीते हैं। और कैसे पता चले कि हम बेहोशी में जीवन जी रहे हैं या होश पूर्वक जी रहे हैं, जानना, कभी बैठकर सोचना कि जीवन कहां जा रहा है, एक एक क्रिया होश पूर्वक हो रही है या बेहोशी में हो रही है। अरे सांसारिक क्रियाओं की बात तो जाने दो, आजकल तो धर्म की क्रियाएं भी बेहोशी में होती है, आदतवश हो जाती है, आदतवश कर लेते हैं लेकिन जरा भी जागृति नहीं आती। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने आप को देखना, अपने आप को चेक करना कि जो व्यक्ति होश पूर्वक जीवन जीता है वो ही कहीं पहुंच पाता है, वो ही कुछ कर पाता है। जितने भी शास्त्र है, जितने भी धर्म ग्रंथ है, संसार के जितने भी धर्म है, सभी धर्मों का सार यदि है तो एक ही शब्द में है, एक ही लाइन में है, जीवन जब भी जीवो होश पूर्वक जीवो। आप क्या कर रहे हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप होश पूर्वक कर रहे हो या आप बेहोशी में कर रहे हो यह अति महत्वपूर्ण है। करने से पहले
हाथ रुक जाए तो समझना होश पूर्वक है, और करने के बाद में अफसोस हो तो समझना बेहोशी है। और ज्यादातर आप देखना, आप जितनी भी क्रिया कर लेते हो उसके बाद में अफसोस ज्यादा होता है, ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, ये गलत कर दिया, ये बुरा कर दिया, ये शब्द मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, ये मुझे किसी को मारना नहीं चाहिए था, ये सारे विचार आपके मन में चलते हैं। इसका अर्थ ये है, करने के बाद में रियलाइज हो तो समझना आप बेहोशी में जी रहे हो, और करने से पहले रियलाइज हो तो समझना आप होश पूर्वक जी रहे हो। कैसे पता चले? हमें देखना होगा कि हमें करने के बाद ज्यादा रियलाइज होता है या करने के पहले ज्यादा रियलाइज होता है। और ज्यादातर केस में ऐसा होता है, ज्यादातर किस्सों में ऐसा होता है, ज्यादातर घटनाओं में ऐसा होता है, ज्यादातर संयोगों में ऐसा होता है कि हमें करने के बाद रियलाइज होता है ये नहीं करना चाहिए था। इसीलिए शास्त्रकार भगवंतों ने कहा, समझिएगा, लाइफ इज अ जीरो। जेड ये संदेश लेकर के आता है, जेड ये बता रहा है, समझना, लाइफ इज ए जीरो इफ यू नॉट अवेक। यदि आप जागे नहीं, यदि आप होश में नहीं आए तो समझ लेना आपकी लाइफ शून्य है। दूसरा संदेश जेड ये लेकर आता है, लाइफ इज ए जू। जू जानते हो ना, प्राणी संग्रहालय, अजायब घर जिसको हम कहते हैं। लाइफ इज ए जू इफ यू नॉट फ्री। यदि आप मुक्त नहीं हो, यदि आप बंधे हुए हो तो समझना आप संसार में नहीं हो, आप मनुष्य जीवन में नहीं हो, आप अजायब घर में हो, आप प्राणी संग्रहालय में हो। जैसे अजायब घर में कोई जानवर को ले जाया जाता है और उसको बांध दिया जाता है, उसको पकड़ लिया जाता है, उसको पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, इसी तरह से यदि आप फ्री नहीं हो, यदि आप बंधे हुए हो, हम किससे बंधे हो? हमको तो लगता है हम बड़े फ्री है, हमको तो लगता है कि हम बड़े इंडिपेंडेंट है, हमारे पास कोई बंधन नहीं है, हम बिंदास है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हम जो चाहे वो कर रहे हैं। लेकिन शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि ये भ्रम में मत रहना, तू बंधा हुआ है। हम किससे बंधे हुए हैं? इतनी सारी चीजों से बंधे हुए हैं कि शायद हमारे को कोई देखता होगा तो यही सोचता होगा कि ये लोग भी अजायब घर में ही रहते, ये लोग भी जू में ही रहते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, समझना, लाइफ इज ए जू इफ यू नॉट फ्री। आप मुक्त नहीं हो, आप बंधे हुए हो। कोई राग से बंधा हुआ है, कोई द्वेष से बंधा हुआ है, कोई क्रोध से बंधा हुआ है। कई लोग आकर के शिकायत करते हैं, महाराज साहब कितनी कोशिश करें लेकिन गुस्सा आ ही जाता है, ये क्या सिम्टम्स है? ये है कि आप क्रोध से बंधे हुए। महाराज साहब कितना समझे, कितना प्रवचन सुने लेकिन धर्म करने का मन नहीं होता है, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि आप मन से बंधे हुए हो, आप फ्री नहीं हो, आप मुक्त नहीं हो, आप बंधन में हो। बराबर याद रखना, समझना, आप ये मत समझना कि आप जो चाहे वो कर सकते हो। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपका मन जैसा चाहे वैसा आप करते हो, आप जो चाहे वो नहीं कर सकते। कभी मन खड़ा हो जाता है, कभी विषय खड़े हो जाते हैं, कभी विकार खड़ा हो जाता है, कभी कसाय खड़े हो जाते हैं। इसलिए शास्त्रकार भगवत ने कहा कि बराबर समझना आप अजायब घर में है, आप प्राणी संग्रहालय में है। यदि आप फ्री नहीं हो, यदि आप मुक्त नहीं हो, मन चलाए वैसे आपको चलना पड़े, मन कहे तो उठना पड़े, मन कहे तो बैठना पड़े, मन कहे तो सोना पड़े, मन कहे तो भोजन करना पड़े और मन कहे वहां भागना पड़े, ऐसा आपका जीवन है तो आप समझना आप मुक्त नहीं हो, आप बंधे हुए हो, आप बंधन में हो। देखना आप क्या, अपने आप को ऑब्जर्व करना कि हम बंधन में है या हम मुक्त है। कैसे पता चले? आप कहो वैसे आपका मन करता हो तो समझना आप मुक्त हो, और जैसा आपका मन कहे वैसा आप करते हो तो समझना आप बंधे हुए हो। कैसे हम जाने कि हम मुक्त है या बंधे हुए हैं? तो शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि बराबर समझना ये परीक्षा है, आप जैसा कहे वैसा वैसा आपका मन करता है, आप आगे और आपका मन पीछे। मन यदि आपको फॉलो करता हो तो समझना आप मुक्त हो, और आप मन को फॉलो करते हो तो समझना आप बंधे हुए हो। हम मन को फॉलो करते हैं, हम परमात्मा की आज्ञा को फॉलो नहीं करते हैं।
हम गुरु की आज्ञा को फॉलो नहीं करते, हम बड़े बुजुर्गों की आज्ञा को फॉलो नहीं करते। जीवन में समझना, आप कहां पहुंचोगे? आप जिसको फॉलो करोगे वहां आप पहुंच जाओगे। बराबर समझ लेना, आप प्रभु को फॉलो नहीं करते, आप गुरु को नहीं करते, आप माता पिता को नहीं करते, आप बड़े बुजुर्गों को नहीं करते, आप किसको फॉलो करते हैं? आप मन को फॉलो करते हो। आप किसको फॉलो करते हो? आप मन को फॉलो करते हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप बंधे हुए हो। बराबर समझना, मन आपके पीछे हो, मन आपको फॉलो कर रहा हो तो समझना आप मुक्त हो, और आप मन को फॉलो कर रहे हो तो समझना आप बंधे हुए हो। देख लेना अपने आप को, हम मुक्त हैं या हम बंधे हुए हैं। लाइफ इज अ जू, इफ यू नॉट फ्री। फ्री रहने के लिए मनुष्य जीवन है, बाकी अन्य योनियों में तो हम बंधे हुए ही होते हैं, अन्य योनियों में तो हम बंधन में ही होते हैं। ये मनुष्य जीवन की ताकत यह है कि हमको फ्री रख सके, हमको मुक्त बना सके। इसलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि फ्री रहने की कोशिश करना, मन के पीछे मत भागना, मन को अपने पीछे भगाना। नंबर वन, लाइफ इज अ जीरो इफ यू नॉट अवेक। नंबर टू, लाइफ इज अ जू इफ यू नॉट फ्री। एंड नंबर थ्री, तीसरा संदेश ये लेकर के आता है जेड हमारे लिए, लाइफ इज अ झील। झील यानी तालाब। लाइफ इज अ झील इफ यू नॉट रन। आप यदि भाग नहीं रहे हो तो तालाब की तरह आप भी संकुचित हो जाओगे। बराबर समझ, जीवन तो नदी जैसा होना चाहिए, तालाब जैसा नहीं। बराबर समझ लेना, जीवन कैसा हो? जीवन नदी जैसा हो, नदी की तरह बहता हुआ हो। इसीलिए कहा शास्त्रकार भगवंतों ने समझाया कि भागो, समय बहुत कम है। यदि आप ठहर गए तो तालाब जैसे बन जाओगे। हमें तालाब जैसा नहीं बनना, हमें नदी जैसा बनना है। हमारा ये जो जीवन हमें प्राप्त हुआ है, हमारा जो मनुष्य जन्म हमें प्राप्त हुआ है, वो तालाब जैसा बनने के लिए नहीं है, ये नदी जैसा बनने के लिए है। और यदि नदी जैसा बनना है तो हमें भागना होगा, हमको झील नहीं बनानी, हमको रिवर बनाना। और इसलिए शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि जीवन में तालाब जैसे बनोगे तो बड़े संकुचित हो जाओगे, वहां के वहां ही ठहर जाओगे। और इसीलिए आप देखिएगा, कई लोगों का जीवन जहां शुरू होता है वहीं पर पूरा हो जाता है। यही जन्मे, यही जीवन जिया, यही जीवन में थोड़े बहुत आगे बढ़े, थोड़ा पैसा कमाया, थोड़ा परिवार संभाला, घर बनाया, और वहीं पे घूमते फिरते जीवन परिपूर्ण हो गया। ज्यादातर लोग जीवन में तालाब की तरह सिकुड़ कर मर जाते हैं, तालाब की तरह सिकुड़ कर चले जाते हैं। लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं कई विरले लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन को नदी जैसा बना लेते हैं। बहते रहो, शरीर बहे ना बहे, शरीर घूमे ना घूमे, लेकिन आत्मा में तो बहाव होना चाहिए, आत्मा में तो कहीं ना कहीं बदलाव आना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि संसार में कई लोग ऐसे हैं जो जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं, जैसे आए थे वैसे चले गए, ना कुछ कर पाए, ना कुछ पा पाए, जीवन में कुछ किया नहीं, जीवन में कुछ पाया नहीं, जीवन में कोई मंजिल प्राप्त नहीं की, जीवन में कोई मार्ग मिला नहीं, और कोशिश भी तो नहीं की, जैसे आए थे वैसे के वैसे चले गए। और कई लोग जीवन में ऐसे होते हैं, जैसे आते हैं वैसे नहीं जाते, कुछ अलग करके जाते हैं, कुछ अलग बन के जाते हैं। और इसीलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि समझना, जीवन को झील नहीं बनाना, लाइफ को बनाना है, रिवर बहते रहना है, और यदि रिवर बनाना है तो भागना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जेड तीसरा संदेश हमें यह दे रहा है कि समझना, लाइफ इज अ झील इफ यू नॉट रन। लाइफ इज अ झील इफ यू नॉट रन। यदि आप भागोगे नहीं तो जीवन तालाब जैसा संकुचित हो जाएगा, जीवन सिकुड़ जाएगा। हमें जीवन को बहाना है, जीवन को नदी की तरह बनाना है। इसलिए शास्त्रकार भगवत ने कहा कि समझ लीजिएगा, तीन संदेश जो जेड शब्द से हमें मिलते हैं उसको निश्चित तौर पर याद रखिएगा। नंबर वन, लाइफ इज अ जीरो इफ यू नॉट अवेक। नंबर टू, लाइफ इज अ जू इफ यू नॉट फ्री। एंड नंबर थ्री, लाइफ इज अ झील इफ यू नॉट रन।
प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।